हे गाइस, चलिए घर पे बनाते हैं चॉकलेट सिरप, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, एकदम 10 मिनट में। तो उसके लिए पैन में 2 कप पानी ले लिया है और आधा कप डाला है मैंने इसमें शुगर, और इसको अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। और मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ये चॉकलेट डाल रही हूँ। मेरे पास ये डार्क कंपाउंड थे तो मैं यही डाल रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल कोई चॉकलेट है वो भी डाल सकता है, वो भी 50 ग्राम। और इसको हमें 5 से 6 मिनट तक पकाना है, जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए, मतलब आधी ना हो जाए इसे। ओके, जितने पक रहा है इतने आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि मैं और नई नई रेसिपी क्या ट्राई करूँ। अभी देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, और 1 चम्मच डाल रही हूँ उसमें कॉर्नफ्लोर, ताकि इसे जो एक थिकनेस है वो आ जाए। फिर इसको डाल के हमें 1-2 मिनट तक और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये चॉकलेट सिरप ना गाढ़ा हो जाएगा। तो घर पे आप बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से ये चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। मार्केट वाला तो थोड़ा कॉस्टली आता है, तो घर में आप बनाइए। अगर ख़त्म हो गया और आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, और अब ये ठंडा होने के बाद ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है। तो आप घर पर इसको बना सकते हैं और एंजॉय कीजिए।